हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जामिया एमबी 2022 का प्रेडिक्शन करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, और उसके लिए हमने बहुत वर्कआउट भी किया है, क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज भी किया है, कुछ फैकल्टी मेंबर से भी मैंने बात किया है जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनके उनके रिप्लाई का भी मैं वेट कर रहा था कि कितना कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन हर सेक्शन वाइज इसको कितना वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो उसके हिसाब से हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, एक पेज का ही है बस। इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जामिया एमबी 2022 को हम कंपेयर करेंगे जामिया एमबी 2020 से, क्योंकि उस साल का जो पेपर आया था, देखिए एक तो पेपर टफ होता है और एक होता है अनएक्सपेक्टेड पेपर। टफ का मतलब होता है कि जैसे लाइक आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता है कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन का मॉड होगा, कैसा होगा, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जाते हैं, तो आपको वहां पर शॉक नहीं लगता। लेकिन जामिया में 2015 से लेकर के 19 तक पेपर वॉज मॉडरेट, और 2020 में सडनली बहुत टफ आ गया। तो एट दैट मोमेंट अनएक्सपेक्टेड पेपर और टफ पेपर में डिफरेंस होता है। अनएक्सपेक्टेड पेपर से क्या होता है, लगता है या डिप्रेशन में चला गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें, किस सेक्शन को टच करें, कितनी मेरिट जाएगी, तो बस वो तुक्का लगाना शुरू कर देता है। तो 2020 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड पेपर हम कह सकते हैं। 2021 में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, 2022 में फिर से सेम पैटर्न रिपीट किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है, वो हम बताएंगे। जो हम प्रेडिक्शन करेंगे तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये पूछते हैं कि सर एमबीए फुल टाइम का, एमबीए आईबी का और इंटरप्रिटेशन फैमिली बिजनेस का आप अलग अलग बताइए क्या जाएगा। देखिए इसके कंबाइंड एग्जाम्स के जो रिजल्ट आता है वो कंबाइंड आता है, तो जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो क्या होगा, हमारा वो लोअर लिमिट होगा। तो उसमें आप ऑब्वियस है, अगर आपका लोअर पे है, अगर आप, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपको एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस के लिए कम बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो आपको वही दिया जाएगा, आईबी के लिए अगर कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये डिपेंड होता है एप्लीकेंट के लिए। फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस अगर एमबीए फुल टाइम की है तो मेरिट उसकी हाई जाएगी, फर्स्ट टाइम अगर एमबीए आईबी की है तो उसकी मेरिट हाई जाएगी, जिसके ज्यादा चॉइस होते हैं उसकी मेरिट हाई जाती है। आप एमबीए फुल टाइम चाहते हैं तो एमबीए फुल टाइम में आप ये मान लीजिएगा कि जैसे होता क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस की मान लीजिए कि आप जो है वो लोअर लिमिट मान लीजिए कि 35 गई या 40 गई, तो 5 नंबर का डिफरेंस होगा एमबीए आईबी में, 2-4 या 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर का डिफरेंस होता है एमबीए फुल टाइम में। तो ये आपको अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, जो हम प्रेडिक्शन अभी करके बताएंगे वो ये सिर्फ होगा कि कट ऑफ होगा, और जो रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके नाम आने की पॉसिबिलिटीज है इस कट ऑफ के साथ। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो ये सेक्शन क्वाइट डिफिकल्ट था। जो कैट स्टैंडर्ड का जो मार्क्स होता है उसका लेवल 3rd का ये पेपर था, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत टफ थे। मेजर ऑफ द स्टूडेंट जो एवरेज की हम बात करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो एक्सेप्शनल केस नहीं, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है उसकी बात नहीं, कोई बहुत लोअर पोजिशन पर उसकी बात हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि जो एवरेज वाली बात हो। तो 2020 में मेजर ऑफ द स्टूडेंट ने जो मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि 10 से 15 क्वेश्चन हार्डली कर पाए थे, 10 to 15। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है जो 2022 में आया था, सम क्वेश्चन वॉज मॉडरेट, सम क्वेश्चन वॉज टफ। टफ भी हम नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस आपने कम की होगी, तो जो मॉडरेट सेक्शन था ज्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने भी क्लास में डिस्कशन किया था उसी टाइप से आए थे। मैंने आपसे क्या किया, अनएक्सपेक्टेड पेपर आने पे बच्चा नर्वस हो जाता है, उसकी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है क्वेश्चन, बस वो करता चला जाता है। लेकिन क्वेश्चन को रुक करके वो एनालाइज करता तो जिसका टफ पोर्शन भी था वो भी क्वेश्चन उस तरह के किए गए थे जिसको बच्चा आसानी के साथ कर सकता था। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने एनालाइज किया है कि ये हम जनरल स्टूडेंट की बात करते हैं, 15 टू 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में बच्चा आसानी के साथ कर सकता था क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो साल 2020 में आए थे उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन थे, वर्बल नॉन वर्बल दोनों से आया था। तो 2020 की अगर हम बात करते हैं इसकी रीजनिंग की, तो इसमें भी बच्चों ने 10 से 15 क्वेश्चन आराम के साथ कर लिया था। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जीके और करंट अफेयर्स में पहली बार ऐसा पैटर्न आया था कि जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड था, और तब से 2021 को हम हटा दें, 2020 में भी करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये एक सिमिलरिटी है जीके के लिए, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे स्टैटिक जीके के ऊपर थे और वो इकोनॉमिक्स से थे। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बच्चों ने जो उस टाइम में मैंने गैस किया था 10 to 15 का किया था, और
इंग्लिश सेक्शन में कुछ पैराग्राफ्स मॉडरेट थे, कुछ टफ थे, कुछ पोएम के ऊपर बेस्ड थे, तो इस तरह से वहाँ पे जो बच्चों ने सॉल्व किया था इंग्लिश में वो था हमारा 15 to 20 क्वेश्चंस कर पाए थे बच्चे। हम लोग कई बच्चों से बात करने के बाद ये एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट्स का एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उन लोगों ने कितना किया है, और DI के सिर्फ 10 क्वेश्चन ही थे और वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स भी जिन बच्चों को याद था वो 10 के 10 ही कर लिया, और जिनको नहीं पता था जैसे कि एक DI इसमें सॉल्व किया जा सकता था तो उसको हम लोगों ने ये लिया था 5 to 10। तो उस साल का जो हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था 30 और 20, ये आ रहा है हमारा लोअर लेवल, ये आ रहा है 50, और अपर लेवल इसका जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 75, ये था। तो अब अगर हम लोअर और अपर, अपर का मतलब ये नहीं है तो ये बिल्कुल मैक्सिमम है, अपर का मतलब ये हो जाता है जो हम लोगों ने एक सैंपल लिया है, सपोज कर लीजिए कि 1000 बच्चे जो अच्छे फाइट दे रहे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा बेटर स्कोर कर सकते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे, बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम सम कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा, इन दोनों का अगर हम सम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 125, राइट। अगर इसका हम एवरेज लें यानी कि 125 को 2 से डिवाइड कर लें तो 62.5 लगभग बनता है ये एवरेज। लेकिन इतना मैंने एवरेज प्रेडिक्शन किया होगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है और मैंने प्रीवियस वीडियो भी देखा नहीं है अभी इसका, तो ये था। लेकिन जो इसका कट ऑफ जो गया था 2020 की अगर हम बात कर लें तो मुस्लिम OBC की हम बात करते हैं पहले, ये गया था 27 से 32 का हमने प्रेडिक्शन किया था मुस्लिम OBC का, जो कट ऑफ जो गया था मतलब लोअर लेवल जो था वो था क्या 27, और मुस्लिम वीमेन का जो गया था वो था 30 से लेकर के 35 तक, और मुस्लिम का था 35 to 40, और जनरल की अगर हम बात करते हैं तो ये था हमारा 40 to 45, ये था हमारा, ये कट ऑफ था, लोअर था। अब ये कंबाइंड एग्जाम होता है, दैट मीन्स MBA फुल टाइम का, MBA IB का, MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का। तो अगर आप लोअर लिमिट पे हैं तो आपको फिर GDPI यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि GDPI भी 30 मार्क्स का होता है और आपका स्कोर भी अगर 30 है तो 50-50% हो गया। तो जिन बच्चों ने GDPI में परफॉर्मेंस बेटर किया था तो उन लोगों ने उनकी चांसेस जो थी MBA फुल टाइम में तो डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ये है कि MBA IB या MBA इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस तक वो आसानी के साथ पहुंच सकते थे। तो ये लोअर लेवल था हमारा, ये हमने 2020 का मैंने बता दिया, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हमने जैसे कंपेयर कर चुके हम लोग, अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी थे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो पजल बेस्ड थे, पजल्स टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन लिया गया था। उसको आपको पता है पजल्स में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का है, अगर आपने उनको सही से अरेंज कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, नहीं किया तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इन दिस वे जो इस साल का जो हमारा 2022 का जो प्रेडिक्शन है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में बच्चे जो है 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन है ये कर सकते हैं बच्चे। और होता क्या है ना, देखिए बाद में तो पेपर घर पे ला के देखने पे थोड़ा इजी लगता है कि हम ये भी कर सकते थे, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट और एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है उसको रजिस्ट करने के बाद अगर आप कर लेते हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग पेपर देख रहे हैं उनको लग रहा होगा नहीं ये सर गलत बता रहे हैं, लेकिन आप पेपर घर पे देख रहे हो और विद इन टाइम लिमिट करने में बहुत डिफरेंस होता है। अब GK और करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। GK और करंट अफेयर्स को मैंने सर से भी एनालाइज करवाया था और मैंने पूछा भी था कि GK और जो करंट अफेयर्स है हमारा तो उसमें क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। मैंने जैसे वीडियो में भी मैंने बताया था कि 35 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कशन नहीं किया गया था, सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराए गए थे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 14, 15, 20 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बहुत पहले से भी पढ़ रखा है और पेपर पढ़े हुए क्वेश्चन आने के बावजूद भी उसमें आप पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, जैसे कि हमारा ये वाले में 35 क्वेश्चन आए थे, तो 35 में जो GK और करंट अफेयर्स का था वैसे तो 20 से लेकर के 25 तक लिया है, लेकिन बच्चों के इससे भी लो स्कोर आ रहे हैं। तो बहरहाल हम उनका ले लेते हैं 20 से लेकर के 25, और ये सेक्शन ऐसा था कि जिसमें बच्चा कर सकता था ये क्वेश्चन, जिससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि GK का जो सेक्शन दिया गया था वो बेटर था। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश बिल्कुल हम कंपेयर कर सकते हैं इसी से। इंग्लिश में जो यहाँ के लिए हमने किया है कंपेरिजन जो किया है इंग्लिश में, 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक इंग्लिश में
बच्चा कर सकता था, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में, वो इससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो इंग्लिश में। और डीआई की अगर हम बात करते हैं तो डीआई में जैसे इन जनरल हमें आदत होती है कि कोई पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, डबल लाइन ग्राफ है, इस तरह के कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम कर लेते हैं, तो वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस आपको कम दिखे कि आपके जो क्वेश्चन थे आपके डीआई के, तो डीआई सेक्शन में आप 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 10 to 15 क्वेश्चन। तो ये था, अगर आप इसका इसका अगर आप सम करते हैं, इसका सम अगर आप कर लेते हैं तो ये आएगा, तो इसका जो सम आ रहा है कितना आ रहा है, ये आ रहा है 95 और ये 65 to 95 के बीच में अगर बच्चों ने किया है तो इसका अगर हम सम करते हैं तो ये हमारा आ रहा 150, यानी कि जो इसका एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आ रहा है 75। अब जैसे यहाँ पर 50 था तो लोअर हम लोगों ने 27-30 तक हम लोगों ने लिया था, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 75 किया है, अब ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो वो लेने के बाद जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है कि इसकी जो मेरिट जा सकती है 2020 की, मैं बात करता हूँ 22 की, तो मुस्लिम ओबीसी में जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपने 5-7 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिया है, ठीक है, वो तो माइनस होगा प्लस वो होगा, तो ये आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि 60-65। लेकिन ये भी होता है कि जैसे हमने ये रीजनिंग का जीके का हमने प्रेडिक्शन किया है, अगर जीके में ज़्यादातर बच्चों का अगर लोअर होगा तो ये 5 to 10 मार्क्स और डाउन हो सकता है हर सेक्शन से, दो एक नंबर किसी और से किसी और से। तो ये अभी जो हम लोगों ने मुस्लिम ओबीसी का जो प्रेडिक्शन किया है इसमें इसका हो सकता है 32-35 जा सकता है ये। और मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करते हैं ये हमारा 35-40 जा सकता है, और मुस्लिम का जो है वो 37 से 42 के बीच में रहना चाहिए। और जनरल में इस बार ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जनरल का जो आएगा ये 42 से लेकर के 47 के बीच में अगर स्टूडेंट ने किया है तो पॉसिबिलिटीज है कि उसका जो है GDPI के लिए उसकी कॉल आ जाएगी, यानी कि लिस्ट जो आती है उसमें अराउंड 520 बच्चों का नाम रहता है, 513 किसी साल, 517 किसी साल, 520 स्टूडेंट को दे विल कॉल यू फॉर GDPI ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, तो उसमें ये 513 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो इसी वजह से ये थोड़ा से लोअर भी हो जाता है। अराउंड 513 की लिस्ट लास्ट ईयर भी आई थी, तो ये 513 में ये जितना स्कोर अगर बच्चों ने किया होगा तो ये सेफ साइट है आपका। अब यहां के बाद से जो मेजर रोल प्ले होगा वो होता है GD का और PI का। आप अपना टाइम किल मत करें, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, बेस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू है, आप उसको लें और डेली उसके एडिटोरियल पेज को और जो न्यूज़ आपको लगती है जिसके ऊपर टॉपिक्स बन सकते हैं। देखिए जामिया हर साल, जामिया की जो फैकल्टी है दे आर वेरी हाईली टैलेंटेड, वो उनको ऐसा नहीं है कि कहीं से वो लिख करके देंगे, वो रैंडमली हर साल वो चेंज करते हैं। मैं पहले ऐसे बताऊं कि जैसे कि किसी जैसे लास्ट ईयर PI में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट वे पे था, ठीक है, उसके लास्ट ईयर 2020 में जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था। GD के टॉपिक कभी स्टैटिक टॉपिक भी दे दिया जाता है किसी ग्रुप को, और किसी को होता है रैंडमली क्रिएट करके टॉपिक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया श्रीलंका की जो क्राइसिस है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द श्रीलंका क्राइसिस, तो हम उससे क्या सीख सकते हैं, ये टॉपिक बना के दे दिया, आपने कभी पढ़ा ही नहीं श्रीलंका में हो क्या रहा है। तो जब आप एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे या कोई भी ऐसी न्यूज से रिलेटेड पढ़ते हैं तो यू शुड कलेक्ट द डेटा। डेटा आपको कैसे क्या कलेक्ट करना है, डेटा आपको इस तरह से कलेक्ट करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको डेटा मिलता है कि जैसे उसका फॉरेन एक्सचेंज श्रीलंका का कितना है तो इंडिया का कितना है, तो इस तरह से हम कंपेयर करके एक अच्छे से उसको स्टडी बना सकते हैं। और GD में जब हम डेटा पुट करते हैं तब हमारी GD जो है वो इफेक्टिव होती है, वहां पे चिल्लाने से आपको मार्क्स नहीं मिलता। लास्ट ईयर कई ग्रुप में ऐसा था कि बच्चे चिल्ला रहे, चिल्लाने से आपको मार्क्स नहीं मिलता, आपको ये बता दिया जाता है कि इनिशिएटर को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं या कंक्लूड जो करता है उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसके लिए आप चिल्लाना शुरू कर दें। तो आप डेटा कलेक्ट करें जो भी, जब तक आप रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है तब तक आपके पास टाइम है। हम लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 5 classes, 10 classes, लास्ट ईयर तो बहुत सारी क्लासेस हो गई थी, लेकिन आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखना है। GD के टॉपिक्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, PI में क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी कई साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ब्रीफ और आपको दे देता हूं कि होता है GD और PI,
मेहनत बच्चा जीडी के लिए बहुत करता है लेकिन जीडी कंटेंट 10 मार्क्स और पीआई के लिए कम मेहनत करता है, पीआई कंटेंट 20 मार्क्स। अगर आपका पीआई इफेक्टिव है तो पीआई से आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मैं आपको बता दूं, जीडी और पीआई में जो मार्क्स मिलते हैं हमारे यहाँ से जो मिले हैं अभी तक जो हाईएस्ट गया है वो 27-26 गया है और लोअर जो जाता है वो 5 मार्क्स भी जाता है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल बेटर करें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएटली आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम किल नहीं होगा। अभी आपको गिवअप नहीं करना है, आपके पेपर खराब हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। और अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा, हो सकता है आप जिस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं कि नहीं होगा हमारा, हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आ जाए। तो आप जीडीपीआई पहले से प्रिपेयर करके रखिए, और मैंने कहा एक मेजर रोल प्ले करता है जीडीपीआई। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है, आप इसे चाहे नोट कर लें, 30-35, 35-40 मुस्लिम का 37। हम फोकस इस पे करते हैं क्योंकि अगर हम जनरल को टारगेट बना लेते हैं ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो जनरल का 42-47 पे आ जाना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें गलत हो, है भी, और कुछ जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो प्रेडिक्शन हमने किया था ठीक है उसमें क्या था कि 12 नंबर उन्होंने और ऐड कर दिया। तो अब हमने ये बताया था कि लास्ट ईयर की 40 से 50 के बीच में जाना चाहिए, और गया कितना, 40 में 12 मार्क्स और जोड़ दीजिए तो 52 हो गया। कुछ बच्चों को ये लगा कि सर ने गलत प्रेडिक्शन कर दिया, तो गलत नहीं किया था हमने। अप्रॉक्स देखिए, ये एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता कि मैं रिजल्ट नहीं बना रहा हूं कि मैं बता दूं कितना होगा, तो ये तो हो सकता है, ह्यूमन बीइंग एरर भी हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन करने में, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो सकता है। तो 12 नंबर उन लोगों ने जो सबको अवार्ड के तौर पे दे दिया था, तो ये मेरिट लास्ट ईयर थोड़ी सी हाई चली गई थी, तो ज्यादा नहीं होता है। तो 21 के पेपर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये जो पेपर हमारा टफ है तो उससे थोड़ा सा तो लोअर जाना ही चाहिए। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हमने ये आप लोगों को प्रेडिक्शन किया है, और आप जीडी और पीआई के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। जैसे ही हमारे क्लास स्टार्ट होती है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।